मतगणना को लेकर जो दो काउंटिंग सेंटर्स हमारे हैं उसमें इलेक्शन कमिटी गाइडलाइंस के हिसाब से डिप्लॉयमेंट किया गया है। लगभग 1500 के आसपास की पुलिस बल की नफरी है जो लगाई गई है, इसमें सिविल पुलिस के लोग हैं और इसके साथ साथ PAC है, आर्म्ड पुलिस है और पैरामिलिट्री भी इसमें डिप्लॉय की गई है। हमारे पास लगभग 5 कंपनियाँ पैरामिलिट्री पब्लिक आर्म्ड पुलिस की हैं जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी लगाई गई है। अलग अलग बैरियर पॉइंट्स लगाए गए हैं जहाँ पर पुलिस का डिप्लॉयमेंट रहेगा। 100 मीटर का जोन होता है जिसमें कोई वाहन नहीं आ सकता है, उसको बहुत स्ट्रिक्टली एनफोर्स किया जाएगा। मोबाइल अलाउड नहीं है। जो ट्रैफिक डाइवर्जन है वो सभी लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया गया है, सभी को अवगत भी करा दिया गया है। ड्रोन के माध्यम से भी हम लोग निगरानी करेंगे और आसपास के एरिया में भी, प्लस संपूर्ण जनपद का जो क्षेत्र है उसमें भी अलग अलग जो सेंसिटिव पॉइंट है वहाँ पर पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया गया और बहुत अच्छे तरीके से सक्सेसफुल तरीके से सब मतगणना काफ़ी भीड़ हो जाती है, उसको लेकर किस तरीके की व्यवस्थाएँ। अब अलग अलग बैरियर पॉइंट्स बनाए गए हैं फिल्टर करने के लिए भीड़ को। पहली बात तो यह कि धारा 144 लागू है तो वैसे भी ये प्रतिबंधित है, अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो मुकदमा दर्ज किया जाएगा। और जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना एरिया सेंसिटिव होता है उसको उसी प्रकार के बैरियर पॉइंट और कोच लगाते हुए जिस आदमी को जहाँ जाने की आवश्यकता है और उसके पास जहाँ जाने का पास है सिर्फ उसी को अलाउ किया जाएगा। जो विधिक रूप से जहाँ जिसका जाना अलाउड है उसी को अलाउ किया जाएगा, उसके अलावा किसी को अलाउ।